एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। रात के अंधेरे में गुपचुप मोबाइल टावर लगा रहे लोगों का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया और मोबाइल टावर को आबादी से दूर लगाने की बात कही। लोगों का कहना है कि ऐसे टावर से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। डोईवाला के चांदामारी क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब मोबाइल टावर लगा रही कंपनी चोरी छिपे रात को कार्य करके टावर को खड़ा कर रही थी। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और मांग की टावर को आबादी क्षेत्र से हटाकर कहीं अन्य स्थान पर लगाया जाए। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के टावर से जाने अनजाने अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। टावर को लगवा रहे भूमि मालिक का कहना है कि हम गांव वालों के साथ हैं, अगर ये नहीं चाहते कि टावर लगे तो हम नहीं लगवाएंगे। भाई यही नुकसान है कि हमारे भाई जो हार्ट पेशेंट है उनको बहुत दिक्कत है, बच्चों के लिए दिक्कत है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ना लगे। बस हमें इसलिए शायद अभी सुबह सुबह लगा है, वैसे रात को थोड़ा सा काम शुरू हुआ था। हम ये चाहते हैं कि ये ना लगे टावर, कहीं और लगे, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र है, इस वजह से हम नहीं चाहते कि यहाँ पे लगे। हम साथ हैं, हमने मना कर दिया नहीं लगेगा, लेकिन ये हमें कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं हम लोगों को और सबके सब आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड अकेले थे और ये सबके सब आ गए, उल्टा सीधा बोले तो उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आएगा। और मुझे मालूम नहीं था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इन दीदी से पूछ लो, इनको बताया था मैंने। हाँ ठीक है, हम उनके साथ। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।